संतोष कुमार सिंह, मैं रेवाड़ी में जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। होली के एक दिन पहले मुझे सीने में काफ़ी पेन वगैरह हुआ था, जकड़न हो गई थी, और मैं वहीं एडमिट हुआ आईसीयू में। और उसके बाद मैं डॉक्टर छज्जर के पास, मुझे पता था पहले से इनके बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने एंजियोग्राफी करने की कोशिश करी। मैंने कहा नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरा इको 40 था उस दिन जो टेस्ट हुआ था। उन्होंने कहा था हार्ट अटैक आया है आपको। तो मैं फिर नेक्स्ट डे यहाँ आ गया सावल छतरपुर में, और यहाँ पे अपना चेकअप कराया। इन्होंने तुरंत मुझे रेफ़र किया सिटी एनजीओ के लिए, और दोबारा इको कराया मैंने, तो उसमें कंफर्म हो गया कि मुझे हार्ट अटैक ही था। और फिर मैंने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, सर के गाइडेंस में दवाएं ली जो भी बताया। आज मेरा 38 डेज हो गया है, 40 डेज का पूरा कोर्स था ये इनका, सर का। आज मैं कह सकता हूँ सर ने जो फिर दोबारा इको कराया था मेरा, तो मेरा 40 से आज 55 इको हो गया है हार्ट का, और बिल्कुल नॉर्मल जो हेल्दी होता है वो हो गया है 55 इको। वो सारी चीज़ें, लिपिड प्रोफाइल उस समय 275 था मेरा कोलेस्ट्रॉल, आज 115 है मेरा। और एचडीएल मेरा बहुत लो था उस टाइम, 14 था, आज 29 है। तो अमेजिंग इम्प्रूवमेंट है, और मैं काफ़ी लाइट फील कर रहा हूँ, और थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि इन्होंने इतना सही ट्रीटमेंट किया कि बिल्कुल ही सब कुछ सही हो गया।